आज मैं आपके लिए खमन की एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ। एक बार आप ये खमन की रेसिपी ट्राई कीजिए, मार्केट वाले जो खमन है वो भी आप भूल जाओगे, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। सबसे पहले हम एक बैटर तैयार करेंगे। तो एक मिक्सिंग बाउल में हम 1/4 कप तेल लेंगे। यहाँ पे ये जो सारा मेजरमेंट है वो आप ध्यान से फॉलो करें, तभी आपको एकदम बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें हम 1 कप + 1/4 कप पानी मिलाएंगे, तो ये 1 कप पानी है और ये 1/4 कप पानी। इसमें हम 1 टेबलस्पून नींबू का रस मिलाएंगे। इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून दही भी डाल सकते हो। 1 टेबलस्पून चीनी मिलाएंगे। चीनी डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो चीनी है वो इसके अंदर मेल्ट हो जानी चाहिए। ये खमन की बिल्कुल अलग प्रकार की रेसिपी है। ये जो खमन है वो आपको टेस्ट में बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। यहाँ पर आपको मैं एक छोटी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को या मेरे पेज को आप लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बहुत सारे नई नई रेसिपीज आने वाली है उसे आप सबसे पहले देख पाएंगे। सब कुछ मिलाने के बाद इसमें हम 1/4 टीस्पून हींग मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक मिलाना है। इसे भी एक बार हम मिला लेंगे। अब इसमें हम बेसन मिलाएंगे, तो बेसन को इस प्रकार हम छान के मिलाएंगे। यहाँ पे हमें 2 कप बेसन लेना है और ये बारीक वाला बेसन है। हो सके तो जो पैकेट में बेसन आता है उसका ही इस्तेमाल करें, उससे आपको एकदम बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो जिस कप से हमने पानी लिया उसी कप से आपको बेसन लेना है। बेसन को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। अभी बेसन डालने के बाद इसे हम एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे। इसमें हम ध्यान रखेंगे बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए। अभी ये जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है, तो इसे हम 2 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे। इसमें आपको कोई भी मसाले डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम बाद में डालेंगे, तो इसीलिए इसमें हमने अदरक या हरी मिर्च भी नहीं मिलाई है। बस तो इस तरीके का बिल्कुल स्मूथ बैटर बनना चाहिए। अभी खमन को स्टीम कैसे करना है हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टीमर ले लिया है, आप चाहो तो कोई भी बड़ा बर्तन भी ले सकते हो। उसमें आपको पानी डाल देना है और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। मैंने बीच में एक स्टैंड रख दिया है क्योंकि इसके ऊपर मैं जो मेरा टिन है वो रखूंगा, आप चाहो तो थाली भी रख सकते हो। ये देखिए, ये जो टिन है वो पानी के साथ टच नहीं होना चाहिए और टिन को आपको तेल से ग्रीस कर देना है या फिर इस प्रकार बटर पेपर रख देना है। साइड पे भी मैंने तेल लगा लिया है। अभी हमने जो बैटर तैयार किया है इसमें हम 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट मिलाएंगे, यानी कि इनो मिलाना है। आप चाहो तो 1/2 टीस्पून खाने का सोडा यानी कि मीठा सोडा भी डाल सकते हो। इनो डालने के बाद एक ही डायरेक्शन में इसे 1 मिनट के लिए फेंट लेना है। ये स्टेज पे आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है और इसी स्टेज पे आपका जो स्टीमर है वो बहुत अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। आप देख सकते हो इनो डालने के बाद ये जो मिश्रण है वो एकदम फ्रॉथी हो गया है, तो तुरंत ही इसे हमें टिन में निकाल लेना है। तुरंत ही इसे हम ढक देंगे। यहाँ पे गैस की आंच बिल्कुल तेज रहेगी, तेज आंच पे इसे 15 से 17 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। अभी खमन के लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। 1 टीस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे, इसमें 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और बिल्कुल थोड़ा नमक मिलाएंगे। वैसे चाट मसाला में भी नमक है, हमने काला नमक भी डाला है, तो नमक आपको उस हिसाब से मिलाना है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। वैसे ये जो मसाला है इसे मैंने आपको बहुत बार आगे भी बताया है, थोड़ा प्रोपोर्शन अलग रहता है, लेकिन इसे आप लोचो के ऊपर भी डाल सकते हो, फ्रेंकी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ढोकला के ऊपर भी डाल सकते हो। ये लीजिए, तो हमारा एकदम बढ़िया मसाला मिक्स तैयार है। खमन को स्टीम होते हुए ऑलमोस्ट 17 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक करेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया फूल गए हैं। तो बीच में मैंने इसे बिल्कुल भी ओपन नहीं किया था, आपको 15 से 17 मिनट के बाद ही इसे चेक करना है। आप चाहो तो बीच में इस प्रकार स्टिक डाल के भी इसे चेक कर सकते हो। तो खमन को मैंने टिन से निकाल लिया है और इसके बाद मैंने इसे 10 से 12 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि खमन को आप थोड़ा ठंडा कर ले, उसके बाद इसके जो पीसेज हैं वो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब इसे हम काट लेंगे। देखने से आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बने हैं।
चलिए अभी आपको मैं एक खमन दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल जालीदार खमन तैयार हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल स्प्रिंग जैसे एकदम सॉफ्ट और नरम और जालीदार। अभी तड़के के लिए पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल लेंगे। यहाँ पर तड़के में थोड़ा तेल आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि अगर आप कम तेल में तड़का लगाओगे तो खमन जो है वो आपको खाने में ड्राई लगेगी। इसे हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अभी तेल गर्म हो गया है, इसमें हम तड़का करेंगे। 1 टीस्पून इसमें राई मिलाएंगे। राई को हम अच्छी तरह से फूटने देंगे। जैसे ही राई फूटने लग जाए गैस के आंच को हम बंद कर देंगे। हल्का सा तेल को ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसमें हम 2 कटी हुई हरी मिर्च मिलाएंगे। इसी के साथ इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता मिलाएंगे। अभी इसे हम चला लेंगे। यहाँ पे गैस के आंच को मैंने बिल्कुल बंद रखा है। अभी हमने जो खमन को काट के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और ये सारी प्रोसेस बंद आंच पे ही आपको करनी है। अभी हमने जो मसाला तैयार किया था उसे हम खमन के ऊपर डालेंगे। तो मसाला आपको पहले से नहीं डाल देना है वरना तेल में वो जल जाएगा। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 टीस्पून जितना मसाला डालना है। इसमें हम बहुत सारा हरा धनिया मिलाएंगे। अभी बंद आंच पे ही इसे बिल्कुल हल्का तो मिला लेना है। यहाँ पे खमन टूटने नहीं चाहिए लेकिन जो मसाला है वो खमन में बहुत अच्छे से लग जाना चाहिए। ये देखिए खमन को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिला लिया है। सुपर टेस्टी हमारे मसाले वाले खमन तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी के साथ मेरे पेज को या मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो आने वाले वीडियोज़ है उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चले।